हेलो गाइस, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपीएसआई की फॉर्म रिजेक्शन की। बहुत से लोगों के फॉर्म में दिक्कत है। फॉर्म में दिक्कत क्या, किसी ने कुछ भर दिया, किसी ने कुछ भर दिया, और अब वे बात कर रहे हैं कि साहब ये आपका जो एडिटिंग का ऑप्शन है, ये संशोधन का जो ऑप्शन है, ये आएगा या नहीं आएगा यूपीएसआई के फॉर्म में, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 40 दिन हो चुके हैं फॉर्म चले हुए, और अभी 20 दिन और चलेंगे, और उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो देखो, जो हमारा मेरठ में ऑफलाइन कोचिंग है वो बहुत जल्द खुलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। जैसे कंडीशन नॉर्मल होती है, जिन बच्चों की फीस जमा है आप परेशान मत होइए, कोर्स पूरा होगा, समय से होगा। ठीक है, तो देखो बात करें, सबसे पहले इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, मैं सारे इशू पर बात करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो नेम देखिए, अगर आपके जो माता पिता के नाम है, आपका नाम है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में सेम होना चाहिए। अगर बीच में स्पेस है, तो वो चल जाएगा, पर अगर कहीं पर थोड़ी सी एक दो अक्षर की गलती है, जैसे मैं प्रदीप है, मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, प्रदीप, और एक नाम लिखा जाएगा ऐसे, तो मान के चलो 10वीं में ये लिखा है और ग्रेजुएशन में ये लिखा है, तो ये फिर गलत हो जाएगा, और इसमें दिक्कत आएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो भाई इसको करा लेना, ठीक है, बहुत बड़ा इशू है नाम का। और अगर मान के चलो आपको मौका दे भी दिया उन्होंने, तो इतनी जल्दी सुधरेगा नहीं। तो अगर आपका फॉर्म में गलत हो चुका है तो कोई बात नहीं, पहले अपना 10वीं और ग्रेजुएशन का ठीक करा लो, उससे बाद में एक एफिडेविट बनवा लेना तहसील से, पूरा उसमें एसडीएम वगैरह के साइन करवा लेना, बता देना एसडीएम वेसडीएम से, पूरा उसको कह देना पुष्टि करा के, तब उसको दिखाना, और जो भी है आपका तहसीलदार वगैरह वो कि हाँ इसका ये नाम है, राशन कार्ड वगैरह में जैसे भी देखा, आधार कार्ड वगैरह में सब कुछ उसमें लिख देगा, तो ये आप करा लेना। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है भैया पोस्ट का, जो जो पोस्ट का इशू है, बहुत से बच्चों ने तीनों पोस्ट भर दी है, क्योंकि उसमें अगर आप बीए का ऑप्शन भरोगे खाली, तो फिर आपको एक दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला और दूसरा, पहले और दूसरे पे एक पीएससी और फिर सिविल पुलिस। ठीक है, जो एफएसएस जो है, तो भैया उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा था कि ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, पर इसमें कुछ जो आर्ट स्ट्रीम वाले हैं, किसी ने टेक्निकल बैकग्राउंड से करी है, उन्होंने ये तीनों की तीनों पोस्ट भर दी। अब इशू ये आ रहा है कि क्या सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो भाई देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, मान के चलो आपने पहला एफएसएस तो भर दिया पहली उस पर, और आपका एफएसएसओ में नंबर आ गया, या फिर आपका तीसरा नंबर पे एफएसएसओ है, और या दूसरे नंबर पर एफएसएसओ है, दूसरे पर आप पहले पे आपने सिविल भर दिया, दूसरे पे एफएसएसओ, तीसरे भर दिया आपने पीएससी, और आपका एफएसएसओ में आ गया, और आप गए वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और आप एफएसएसओ के लिए भैया वही नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास में है ही नहीं जो उन्होंने अर्हताएं मांगी है, तो भैया आप बाहर निकलोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें उस टाइम पे साइबर कैफे वाले को बहुत को पता ही नहीं था, क्योंकि अगर हम तीनों पोस्ट भर रहे थे तो उसमें अदर डाल लेते सब, बीए का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, अगर आप खाली बी अगर दो पोस्ट भरोगे तो भी एक ऑप्शन आ रहा था, जैसे ही आप एफएसएसओ को सिलेक्ट कर रहे थे बीए का ऑप्शन खत्म था वहां पे, तो बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि बीए का ऑप्शन नहीं आया, भाई बीए का ऑप्शन कैसे आ जाएगा उसमें, जब तुमने तुमने मतलब बहुत से लोगों ने तो नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ा, नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ा कि क्या होगा, और फॉर्म रिजेक्शन इससे भी नहीं होगा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आपने गलती कर दिया कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सुधरवा लेना, पर वही वाली बात है, अगर आपका एफएसएसओ में पड़ गया नंबर तो फिर तो भाई दिक्कत होगी, फिर तो आप बाहर निकलोगी, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, पर इशू वाली कोई बात नहीं, अगर आपका एफएसएसओ में आ रहा है तो सीधी सी बात है आप वैसे भी एलिजिबल नहीं थे। देखिए तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जो कर रही है डॉक्यूमेंट की, देखो सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, 2015 के बाद का कभी कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा, कभी कभी आपका कभी का हो, पर फिर भी 2020 का अगर किसी का बनना हो या 2021 का बनना हो तो वो अच्छा है, पर 2015 का भी बाद का चल जाना चाहिए, उसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना मांगी थी। अब बहुत सी दिक्कत ये आ रही है, बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं बने अभी तो, क्योंकि तहसील वगैरह सब कुछ बंद है, अभी तो बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं बने, अब भी आज होगी 11 मई आपकी, 11 नहीं 10 मई होगी आपकी, और आज भी डॉक्यूमेंट नहीं बने बहुत से लोगों के, फॉर्म रह रहे हैं अब भी, तो जैसे भी थोड़ी बहुत नॉर्मल कंडीशन होती है तो ठीक है, वरना भैया सीधी सी बात है ये 30 मई से 15 जून भी होगी आपकी फॉर्म की डेट। ठीक है, वैसे ही आपको पहले ध्यान में देना था, पर चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी चीजें, और जो भी कोई इशू है आपका, मतलब मेन बात यह है, क्या फॉर्म, जो फॉर्म एडिट का ऑप्शन है क्या वो आएगा? तो भाई अभी तक तो जो देखा गया है, अभी तक तो इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 दिन आपके फॉर्म चलेंगे, उसके बाद में अगर फॉर्म एडिट का ऑप्शन आ जाए, वैसे भाई देखो कमाई का जरिया तो है ये, मान के चलो फॉर्म एडिट का ऑप्शन दे दिया और 100 रुपये फीस मांग ली, तो उनकी तो दोबारा कमाई होगी, भर्ती बोर्ड वालों की। पर भाई अभी तक कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसा इनपुट आया है कि जो फॉर्म एडिट का ऑप्शन है वो आएगा। तो जो गलती आप कर चुके हो भैया, वो गलती आपकी हो चुकी है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि 100% जो मैंने ऊपर बताया है, कि देखो पॉसिबिलिटी 90 से 95% यह है कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, जो आपकी गलतियां हैं, और भी जो भी आपकी अलग गलतियां हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जाकर भैया उसको सही करा लेना, ठीक है। पर जो दो चार सिली मिस्टेक्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो हो भी सकता है, मतलब तकरीबन तकरीबन ये बात है, जैसे ये पोस्ट वाला है, डॉक्यूमेंट वाला है, ये बहुत माइनर इश्यू है, ज़्यादा बड़े इशू नहीं है, आप ज़्यादा इसकी टेंशन ना ले तो ही अच्छा है। पर वही वाली बात है, भर्ती बोर्ड इस पर थोड़ी क्लियरिटी दे दे तो अच्छा है। पर अभी जो बात करें फॉर्म एडिट की, कि फॉर्म एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। पर आप परेशान मत होइए, ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, बहुत से लोगों ने फॉर्म में गलती कर दिया, तो जो फॉर्म रिजेक्शन है बहुत ही माइनर केस में फॉर्म रिजेक्ट होगा, मतलब मेजर मेजर केस में फॉर्म रिजेक्ट होगा, जिन्होंने फॉर्म में ज़्यादा ही गलतियाँ कर रखी हैं। बहुत से लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि जहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड होनी थी वहाँ 12th की कर दी, जहाँ 12th की मार्कशीट अपलोड होनी थी वहाँ 10th की कर दी, ठीक है। और जहाँ जहाँ डिग्री या कुछ भी अपलोड करना था, उसके प्रारूप जो भी था, डिग्री या मार्कशीट जो भी आपको अपलोड करनी थी, वहाँ पर 12th कर दी या फिर 10th कर दी। तो अब बताओ इसका क्या होगा, इसका भाई अब बताओ यहाँ फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आपने गलती कर दी है, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि भाई फॉर्म रिजेक्ट ना करेंगे? जहाँ आपको 10th अपलोड करना था वहाँ आपने 12th कर दिया, जहाँ 12th करना था वहाँ 10th कर दिया, और भैया उनके पास में इतना टाइम ना होता कि भाई बच्चे ने अगर 10th में 12th का कर रखा है और 12th में 10th का कर रखा है, इतना देख के भी अपने आप उसको ठीक कर दें। भैया लाखों फॉर्म है भाई, 10 लाख फॉर्म तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं, 9,30,000 कल की डेट में थे फॉर्म, और इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? इतना बड़ा इनका, इनके पास तो इतना स्टाफ भी नहीं है कि वे एक एक आदमी का देखेंगे कि हाँ इसने ये गलती करी है, चलो हम इसका ठीक कर देते हैं अपने आप, इतना समय नहीं है उनके पास। वो तो धड़ाधड़ धड़ाधड़, अगर कोई माइनर होगा तो उसको फॉर्म अप्रूव कर देंगे, अगर किसी का मेजर होगा, अगर किसी के फॉर्म में मेजर मिस्टेक है, तो उसका तो सीधा का सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो बस आप इस चीज़ पर ध्यान रखें, ये छोटे मोटे, तो आप इस चीज़ से आप घबराए मत, छोटे मोटे अगर कोई ये केस है, जैसे आपने तीनों पोस्ट भर दी, ये छोटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपने FSSO डाला है, FSSO के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और फिर आपका FSSO में नंबर आ जाता है, तो भैया फिर तो स्वाभाविक सी बात है, बाहर ही जाओगे। और जो भी है कि डॉक्यूमेंट में ये है वो है, तो ये सब माइनर इश्यूज हैं, ये इतने बड़े इशू नहीं है, और फॉर्म एडिट का ऑप्शन जहाँ तक उम्मीद है नहीं आएगा, पर अगर आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे इसकी अभी जैसे भी कोई आगे जानकारी मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी तक की जो कंडीशन है, अभी तक जो है, अभी तक देख के ऐसा लग रहा है कि फॉर्म जो एडिट का ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा, और मेरठ वालों से मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई अभी थोड़ा सब्र करें, और जिसकी भी फीस आ चुकी है बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत विश्वास दिखाया, ऑलमोस्ट हमारे 3 बैच चल रहे हैं, चौथा बैच हमारा चलने ही वाला था, ऑलमोस्ट एक दो क्लास उसकी हो भी गई थी डेमो की, और जैसे भी कुछ कंडीशंस नॉर्मल होती हैं मैं टीम को बोल दूंगा, आप दोबारा से सेंटर्स खुलवा देंगे, और आपका प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी तो भाई आपका एग्ज़ाम, ये मान के चलो आप एग्ज़ाम अभी आपका सेप्टेम्बर अक्टूबर तक जाएगा, ठीक है, तो अभी काफ़ी काफ़ी समय है, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी कर लो यार, और जैसे भी कुछ अपडेट आएगी मैं बताऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।